हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड कोहरा पत्ता तोड़ कर लाए हैं। तो तबीयत तो आप लोग देख ही रहे हैं कि तबीयत मेरा क्या चल रहा है आजकल। पूरा प्लेसमेंट घट गया है एकदम। तो बकरी के दूध के चक्कर में हैं हम लोग। और देखिए यहाँ ये देखिए कोहरे का पत्ता फूल है, तो इसका आज हम पकौड़ी बनाएंगे। और यहाँ पर हमने सबको देखिए ना काट उट करके एकदम धोधा दिए हैं। और पानी देखिए एकदम मेरा गर चुका है। और ये जो है इसका भी हम पकौड़ी ही बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी अभी आई है मेरी लड़की, तो चावल उसी से हम पिसवा रहे हैं, क्योंकि हाथ में तो रात दिन सुई पड़ रहा है, तो हाथ से काम हो नहीं रहा है, एक हाथ से काम ही नहीं हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं दिखाते हैं आपको आज बना करके। तो देखिए हमारा चावल पिसा चुका है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा और भी डालते हैं, थोड़ा हम तीखा खाएंगे आज। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च। अब हम इनको अच्छे से फेंट लेंगे बहुत बढ़िया से इसको। तब तक देखिए हमारा कढ़ाई भी गर्म हो रहा है। तो देखिए हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, और देखिए हमारे ग्रेवी भी तैयार है। तो इसमें हम डुबा लेंगे इसे। ये खाने में ना बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आते हैं लोग तो बोलते हैं कि मैडम थोड़ा हमको कोहरा का फूल दे दीजिए, बच्चा बनाना है। क्या किया जाए, दे देते हैं, ले जाइए भाई। तो देखिए एक तरह से पक गया है, अभी हम पलट देंगे इसको। वाह देखिए कितना अच्छा बना है। तो देखिए मैं दोनों तरफ से एकदम पक गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये मेरा बच गया था ये। और देखिए कितना एकदम चुरचुरा सा बना है एकदम। देखिए बिना दांत वाला आदमी भी खा सकते हैं एकदम कुरकुरे की तरह। देखते हैं ये हुआ नहीं है। और हाँ तेज आंच पर नहीं पकाना है इसको, मीडियम आंच पर नहीं पकाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये भी पकौड़ी बनकर के तैयार है। हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए मेरा पकौड़ी बन करके एकदम तैयार है। आप लोग बना करके कमेंट में हमको बताइएगा कि ये कोहरे का फूल का पकौड़ी आप लोग को कैसा लगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कल एक और वीडियो साथ आपका स्वागत होगा पूनम जी की किचन में। और हाँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देख लीजिए पहले इसको अच्छा से।